आज हम आए दिन युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों के बारे में सुन रहे हैं और इन हार्ट अटैक की वजह से किसी को जिम में वर्कआउट करते हुए, किसी को शादी में डांस करते हुए, तो किसी को खेलते हुए हार्ट अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही लोगों की जान जा रही है। इसके पीछे कई वजह हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो आज हमारी तमाम बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जिन्हें रोजाना करके आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और हार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के खतरे को कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ट्रेंड्स 9। सबसे पहले नंबर पे है डायफ्रामिक ब्रीथिंग। इस एक्सरसाइज के लिए किसी फ्लैट और शांत जगह पर सीधे बैठ जाएं या फिर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपना एक हाथ चेस्ट पर और दूसरा पेट पर रखें। इसके बाद नाक से सामान्य तरीके से ऐसे सांस लें कि पेट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर सिकुड़े और फिर धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ें। इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इस एक्सरसाइज को 5-10 मिनट के लिए दोहराएं, बाद में नॉर्मल हो जाएं। अब बात करते हैं उद्गित ब्रीथिंग की। सबसे पहले किसी मैट पर आरामदायक मुद्रा में बैठें और अपने दोनों हाथों को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। अब दोनों आँखों को बंद करके गहरी सांस लें और सीधे धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का जाप करें। ध्यान रखें कि जब आप यह उच्चारण कर रहे हो, तब आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित हो। इस एक्सरसाइज से आपकी फोकस पावर भी अच्छी होगी। शुरुआत में इस एक्सरसाइज का अभ्यास 5-10 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसके बाद नंबर है डीप ब्रीथिंग का। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले किसी कुर्सी या जमीन पर दीवार के सहारे टेक लगाकर एकदम सीधे बैठें। अब अपनी आंखें बंद करके लगभग एक मिनट के लिए अपनी नाक के माध्यम से सामान्य रूप से सांस लें और मुंह से छोड़ें। इस दौरान आपका ध्यान अपनी सांस पर रखें। 5-10 मिनट तक रोजाना इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। यह एक्सरसाइज शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने के लिए मदद करती है। हमारी इस एक्सरसाइज के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करना सिर्फ आपके दिल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह प्राणायाम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और लंग्स को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है। लीवर और किडनी को भी स्वस्थ रखता है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाता है। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए बस आपको सीधासन या पदासन या फिर वज्रासन में बैठना है, गहरी सांस को अंदर की ओर लेना है और झटके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। इसके बाद नंबर है माइंडफुल ब्रीदिंग का। माइंडफुल ब्रीदिंग में आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। इसका अभ्यास करते समय आपको याद रखना है कि आप सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, जैसे कि आपका मोबाइल और अन्य गैजेट। एक शांत जगह पर आप बैठें। आपको शुरुआत में ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे और लगातार प्रैक्टिस से आपको जल्द फायदा मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस करने से दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचने में काफ़ी मदद मिलेगी, साथ ही यह एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उम्मीद है हमारी बताई गई ये एक्सरसाइजेज आपके लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाएंगी, साथ ही आपको दिल की बीमारियों से भी बचाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें ट्रेंड्स 9 और हमारी ट्रेंडी और लाइफस्टाइल वीडियोस को देखना ना भूलें, ताकि आप रहें फिट एंड फाइन।